तो ये हमारा दूसरा पार्ट है और आप देख सकते हो हमारी एमसी सूख के तैयार हो गई है। आइए अब इसके एलईडी लगा देते हैं। इसमें एलईडी लगाने के लिए छेद कर लेंगे, बोनट में दोनों हमने छेद कर लिए हैं। एलईडी के लिए जगह बना लेते हैं तो भाई अच्छी से। दोनों एलईडी के लिए हमने जगह बना ली और हमने एलईडी लगा ली है और एलईडी की वायरिंग हमने कर ली है। आइए एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी दोनों एलईडी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये देखिए हमारी दोनों एलईडी अच्छे से काम कर रही है। ये हमने अपना अभी इसे लगा लिया है बोनट को। नीचे से मैंने दो छेद कर लिए जिसमें इसके सर्व हो गए और दूसरी लाइट की वायर निकली हुई है। आइए अब इसकी सीट वगैरह और मरगाड वगैरह चिपकाते हैं। आप पूरा प्रोसीजर ध्यान से देखो, वीडियो को जरा भी स्किप ना करो। जो समझ में ना आए वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। एलपी का यूज़ करा है मैंने इसमें और एमसील का यूज़ करा है। आप देख ही सकते हो मैंने दोनों चीज़ों का यूज़ किया है इसमें। अभी मेरे पास यही अवेलेबल थी लॉकडाउन में, वरना मैं ग्लू गन का भी इसमें यूज़ करता। मरगार्ड हमने दोनों लगा दिए हैं और ये सब टूल बॉक्स है, ये हम निकालेंगे, हम इसे बाद में लगाएंगे। थोड़ी सी एलपी दोबारा से लगाते हैं और इसे चिपका देते हैं। थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखेंगे और ये हमारा चिपक जाएगा, क्योंकि कच्ची प्लास्टिक है थोड़ा टाइम लेती है चिपकने में। ये चिपक गई है। आइए अब इसमें फटाफट से एम सील लगा लेते हैं। एम सील से ये होगा कि इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। कच्ची प्लास्टिक पे एम सील बड़े अच्छे से काम करती है। पूरे में इसे लगा लेंगे अच्छे से। ये पूरे में मैंने अच्छे से लगा लिया इसे, आप देख सकते हो। अब इसका सीट लगाएंगे। सीट लगाने के लिए यानी कि बेस लगाने के लिए एम सील लेंगे। एम सील को अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे चिपकाएंगे एकदम बीच में, और फिर इसका बेस लगाएंगे। मरगार्ड और सीट दोनों मैंने जो साथ में जोड़ी हुई हैं, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देंगे, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना, नॉर्मल सा प्रेशर देना और थोड़ा इंतज़ार करना सूखने का, जैसे सूख जाएगी। और यहाँ चिमटी था, चिमटी से मैं इसे थोड़ा अच्छे से टाइट कर देता हूँ जिससे कि हमारी एम सी अच्छे से चिपक जाए। अब इसे टायर निकाल लेते हैं। दोनों टायर निकालेंगे और जो एक खाली जगह है नीचे की तरफ आप देख सकते हो, इधर नीचे की तरफ यहाँ पे भी हम एम सी लगा लेंगे फटाफट। हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो वीडियो का तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखना। चिमटी की मदद से हम ले रहा हूँ मैं बार बार में, क्योंकि मेरी उंगलियाँ जा नहीं रही थी यहाँ पर, इसलिए मैं चिमटी की मदद ले रहा हूँ। ये देखो अभी चितली उंगली भी बड़ी मुश्किल से जा पा रही है मेरी यहाँ पे। फटाफट से इसमें लगा लेते हैं एमसी और अब सीट चिपका देते हैं। एमसी लगा दी हमने सीट पे भी। आइए थोड़ा इंतज़ार करेंगे इसे सूखने का।
भी लाते हैं, एम सीली पहले भर देंगे अच्छे से और फिर छतरी रखेंगे इसकी जो हमने काट ली थी पहले से, और थोड़ा हल्के से प्रेशर से दबाएंगे। वीडियो का हमारा तीसरा पार्ट आने वाला है, उसे देखना ना भूलें।